मदर्स डे के दिन विशेष पर मम्मा की रसोई में कुल 11 दानदाताओं ने सहयोग करते हुए विशेष भोजन बनवाकर अपने हाथों से लोगों को परोसा। साथ ही एक सदस्य का जन्मदिन भी मनाया गया। 8 मई दिन रविवार को पूरे विश्व सहित भारत देश और भिलाई शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस पर कई जगहों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी हुए। इसी कड़ी में सन 2008 से एक नेक सोच लेकर रुपेंद्र बाजवा और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा शुरू की गई मम्मा की रसोई में भी मदर्स डे विशेष रूप से मनाया गया। लगभग 11 दानदाताओं ने मदर्स डे मनाते हुए मम्मा की रसोई में दान करते हुए विशेष भोजन तैयार करवाया और उसे स्वयं ही लोगों को परोसा भी। इस विशेष भोजन में मीठा हलवा और गर्मी को राहत देने के लिए छाछ भी बनाई गई थी। आपको बता दें कि रुपेंद्र बाजवा के द्वारा मम्मा की रसोई में मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है और यह प्रति रविवार को सुपेला के जी रोड के किनारे लगाया जाता है, जहां इतने कम कीमतों में खाना उपलब्ध होने की वजह से सैकड़ों की संख्या में लोग इसका लाभ उठाते देखे जाते हैं। मदर्स डे पर विशेष भोजन पाकर लोगों में भी खुशी देखी गई। मम्मा की रसोई के संचालक रुपेंद्र बाजवा ने मदर्स डे पर बनाए गए विशेष भोजन और इस भोजन को बनाने में सहयोगी बने लोगों की जानकारी दी। तो वहीं इस दिन विशेष पर मम्मा की रसोई में एक सदस्य का जन्म दिवस भी मनाया गया, जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर इसी तरह के आयोजन करने की जानकारी दी। जैसे आपको मालूम है, आपने शायद पहला कवर किया था 2018 में जून में, तो अभी ये 131वां वीक है। बीच में लॉकडाउन के चक्कर में नहीं लगा पाए थे और आज मदर्स डे है, तो आज आप देख सकते हैं लगभग हमारे पास 11 स्पॉन्सर्स हैं, जबकि एक ज़माना था जब हम खुद अपनी जेब से पैसे डाला करते थे, लेकिन भगवान की दया है कि स्पॉन्सर्स आए और ये अच्छा है कि सारे स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पॉन्सर्स के हवाले है और बहुत अच्छा लग रहा है। और कहाँ से हम कहाँ आ गए ये तो एकदम लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब एक हम ये मान सकते हैं कि आपने जिस सोच के साथ इस मम्मा की रसोई को शुरू किया था वो सार्थक हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब अभी आप यकीन मानिए, 3 या 4 महीने पहले एक दिन मैं अकेला पड़ गया था। उस दिन मैंने कान पकड़ लिए थे कि अब के बाद ये नहीं करूँगा, लेकिन फिर अगले हफ्ते ही सब लोग आ गए तो फिर से जोश आ गया। अब सुबह 9 बजे से एकदम बटन ऑन हो जाता है कि भाई जाना है और सेवा करनी है, तो होता रहता है बिल्कुल काम ऑटोमेटिक। आज किसी का बर्थडे वगैरह भी? जी जी जी, आज पूर्वा मैम है हमारे साथ, उनका बर्थडे है और वो खुद भी आई हुई हैं। उनको आते ही हमने काम सौंप दिया बेचारी को। तो ये है अपूर्वा, इसका बर्थडे है लड़की का। अपूर्वा अग्रवाल हूं मैं। अपूर्वा, आज आपका बर्थडे है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। इसके पहले भी आपने बर्थडे मनाया है, अब तक मनाते आ रहे हैं, तो पहले कैसे बर्थडे मनाते थे पहले ही बताइए। अभी बहुत 4-5 सालों से हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं, अभी मुझे यहाँ पे पता चला मम्मा की रसोई के बारे में, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे भी आया जाए और यहाँ पे भी सेवा की जाए। तो यहाँ पे आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, लोगों को भोजन करा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या अलग लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सभी लोगों को आना चाहिए, और कुछ कुछ जैसे विशेष दिन रहते हैं कि जैसे किसी का बर्थडे हो गया या फिर किसी का मृत्यु हुआ है, तो उस दिन वाला जो हम तिथि सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आके मनानी चाहिए, जिससे लोगों की दुआएं भी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको, जितने भी लोग हैं, सबको ये दिन ऐसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, बाहर जाने के बजाय यहाँ पे आए तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ अच्छी है। आप भी एक यूथ हैं और बाकी यूथ भी हैं, वो लोग अपने बर्थडे में फिजूल खर्चियाँ करते हैं, बहुत सारे केक काटते हैं, काटते क्या है, ना खाते हैं ना खिलाते हैं, बस एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं इंजॉयमेंट। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि वैसा करना चाहिए? मैं दोनों चीज़ सपोर्ट करती हूँ, वो चीज़ भी एंजॉय करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ, बट जो ये सारी चीज़ें हैं ये मतलब एक दुआ है, जो दिल से फीलिंग्स निकल रही है वो सारी फीलिंग्स दूसरों को खिला के जो एक संतुष्टि मिलती है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आके लगता है। तो ऐसा एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी है कि मेरे फादर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आए मतलब फादर के नाम से या फिर जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आए तो लोगों को खिलाएं, तो थोड़ा संतुष्टि रहेगी वो चीज़ों के लिए। आज का युवा धीरे धीरे इतना जागरूक होता दिख रहा है कि वह अपने जन्मदिवस पर फिजूल खर्चियां छोड़कर जन सेवा से जुड़े कार्यों को अंजाम दे रहा है, जैसा कि मम्मा की रसोई में देखने को मिला। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।